रियलिटिकल मेजरमेंट की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे कंज्यूमर हैं, इसका प्रयोग हम सबसे पहले जानिए कहाँ करते हैं। ये आपको जो हम बिजली यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो हम जो है हम कितनी डिमांड करते हैं किसी निश्चित अवधि के लिए, ये क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, मान लीजिए हमने 24 घंटे में जो है 24 घंटे में और समय लेके दोपहर 12 से 1 बजे तक हमने क्या किया, जो है दोपहर 12 से 1 बजे तक हमारी डिमांड क्या हुई, मैक्सिमम हुई, यानी कि हमने लगभग 5 किलो वाट की एनर्जी क्या किया, कंज्यूम किया। ठीक है, और बाकी हम जो है लगभग 23 घंटे, बाकी हमने क्या किया, 23 घंटे जो है वो हमने 2 किलो वाट ही क्या किया, हमने प्रयोग किया 2 किलो वाट मैक्सिमम प्रयोग किया। तो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर हमें ये जो है इंडिकेट करता है, ये हमको बताता है कि किसी निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि जो होती है हमारी 15 से लेकर के 30 मिनट तक होती है, 15 से लेकर के 30 मिनट तक ये हमारी निश्चित अवधि ये मानी गई है। ठीक है, 30 मिनट तक जो है हम कितनी जो है मैक्सिमम ऊर्जा की जो है हम डिमांड करते हैं। ठीक है, तो यही क्या हमारा मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, यानी किसी निश्चित अवधि के लिए जो भी हम मैक्सिमम डिमांड करते हैं, जो भी हमको आवश्यकता पड़ती है एनर्जी की, वही क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। ठीक है, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है हमारा, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, यानी किसी निश्चित अवधि के लिए क्या करते हैं हम, कितनी हम मैक्सिमम एनर्जी की आवश्यकता हमको पड़ती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर की। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक ट्यूब यू प्रकार की क्या होता है आपका ट्यूब होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि यू प्रकार की एक ट्यूब लेकर के इसको हम बनाते हैं। ये ट्यूब जो होती है दो होती है। ठीक है, अब इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर क्या होते हैं हमारे, यहाँ पे कांच के बल्ब होते हैं, एक ये बल्ब होता है, एक हमारा ये बल्ब होता है। ठीक है, कांच के बल्ब होंगे। इस बल्ब का जो है काम क्या है, इस बल्ब में हमारी हीटिंग पत्तियाँ लगी होती हैं, क्या करता है, हीट करता है, हीट, ये हीट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, हम बल्ब का यूज़ किए हुए हैं। ठीक, और इस यू प्रकार की जो ट्यूब होती है, इस यू प्रकार की ट्यूब में क्या होता है हमारा, H2SO4 लिखा हुआ, लिखिए H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, भरा होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है कि स्केल हमारा पैमाना होता है कि हमको जो है कितना स्केल हमारा, कितनी हमारी ऊर्जा, स्केल को क्या करते हैं हम विद्युत ऊर्जा में हम कैलिब्रेट करा लेंगे। ठीक है, कैलिब्रेशन वहाँ पढ़ा चुके हैं आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, EIM की क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, फिर सेकंड वीडियो मिलेगा आपको कि हम कैलिब्रेशन किसे कहते हैं, ये हमारा क्या होता है। अब इसमें क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पे क्या होगी हमारी जो है, जब हम लोड करंट फ्लो, जब हम सप्लाई देंगे तो क्या होगी हमारी लोड करंट फ्लो होगी, लोड करंट फ्लो होगी। ठीक है, लोड करंट फ्लो होने पे क्या होगा कि हमारी जो है बल्ब लगा होगा, इसमें हीटर पत्तियां होंगी और ये पत्तियां क्या होती हैं हमारी गर्म हो जाती हैं लोड करंट फ्लो होने से। जितनी अधिक लोड करंट होगी पत्तियां क्या होंगी उतनी हमारी अधिक फ्लो होंगी, जिससे क्या होगा कि हमारी यहाँ पे एयर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जिससे हमारी क्या होगी एयर प्रोड्यूस होगी, एयर क्या करेगी हमारी जो है जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये क्या करेगी इसको आगे की ओर ढकेलेगी, इससे क्या होगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, ये दिखा दे रहे हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या होगा नीचे की ओर बढ़ेगा, फिर यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, फिर जो एक अलग जो है ट्यूब है खाली, तो यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल ये ऊपर से होते हुए कहाँ चला आएगा, यहाँ नीचे की ओर इसमें आके भर जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमारा जैसे कि यहाँ भर गया, यहाँ पे स्केल लगा हुआ, स्केल से हम मेज़र कर सकते हैं कि हमारा जो है इतनी दूर तक हमारा क्या है, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल भरा, और इस सल्फ्यूरिक अम्ल का जो स्केल है, ठीक है, इसको हम क्या करा लेंगे, अंशांकन करा लेंगे, कैलिब्रेट करा लेंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि हमारी इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कि 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, ये हमारी क्या होगी हमारी कंज्यूम हुई। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, स्केल को हम कैलिब्रेट करा लेते हैं, किस में, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कैलिब्रेट करा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जो H2SO4 यूज़ किए हैं, इसकी जगह पे क्या है वाटर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वाटर जो होता है, पानी जो होता है, ये पानी जो है बहुत ही शीघ्र ही क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा और इसमें क्या बनेंगे आपके बुलबुले बनेंगे और भाप बन के कहाँ जाएगा, इसमें
आपका आगे इकट्ठा हो जाएगा और भाप बन के क्या है वो आगे की ओर चला जाएगा, तो भाप ना बनने पाए इसलिए क्या करते हैं हम H2SO4 अम्ल का हम प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा पानी से क्या होता है भारी होता है, उसके बाद ये 3 देर में क्या होता है हीट होता है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम H2SO4 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये देखिए इसका कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये इसका कंस्ट्रक्शन जो हम बताए हैं बिल्कुल सेम आपका ये है, ये वही है। ठीक है, ये यू आकार की कांच की नली से निर्मित होता है, इस कांच की नली में दोनों सिरे पर समान धारिता के वायु बल्ब लगे होते हैं, बाई ओर का बल्ब अंदर से एक धातु किस्म पत्तियों से घिरा रहता है जिसे संयोजी तार की सहायता से मुख्य परिपथ से जोड़ा जाता है। ठीक है, बस जितना बोला है बिल्कुल सेम वही लिखा, बट इसको सुन करके क्या कीजिएगा आप, इसका कंस्ट्रक्शन क्या क्या लगा हुआ है, वर्किंग इसमें क्या क्या है, इसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात बता दें कि अगर से एग्ज़ाम में आपको कुछ भी याद नहीं है, बस खाली क्या करना है आपको, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम उठा के आप बना दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आप डायग्राम बना दीजिएगा, आपको जो है बहुत ही बढ़िया मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, डायग्राम से मालूम पड़ता है कि हाँ कि लड़का जो है जो स्टूडेंट्स है उसने कुछ पढ़ा है कुछ जाना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया। ठीक है, ये तो आपका उष्मक प्रकार का था। ठीक है, अब आगे इसके बाद हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे। इसमें एक और चीज़ आप लोग को बता दें कि ये जो आपका मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है यानी कि अधिकतम मांग सूचक है, ये निश्चित अवधि के लिए क्या है कि सिर्फ एनर्जी को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अब जैसे कि 5 किलोवाट जो ये हमारी अधिकतम मांग हो गई 24 घंटे में, अधिकतम मांग ये हो गई 5 किलोवाट, अगर फिर उसके बाद क्या है हम 4 किलोवाट को हम यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब क्या है कि हमारे हम जैसे ही जो है 5 किलोवाट से ऊपर ये क्या करते हैं हम एनर्जी को यूज़ करते हैं कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हमारा 5.5 किलोवाट हम कंज्यूम करते हैं तो ये क्या करेगा ये तुरंत रिकॉर्ड कर लेगा कि जो है हमारी एनर्जी जो क्या होगी 5 से 5.5 किलोवाट होगी। अब वो निश्चित अवधि क्या है उस निश्चित अवधि को भी क्या करेगा ये रिकॉर्ड कर लेगा, इस निश्चित अवधि के लिए इस समय के लिए क्या है कि हमारी जो है डिमांड क्या होगी कितनी होगी 5.5 किलोवाट हो गई। ठीक, अगर से फिर हमारी डिमांड बढ़ती है 6 किलोवाट होती है तो क्या करेगा फिर उसको रिकॉर्ड करेगा, अगर 6 किलोवाट से कम होती है तो फिर क्या करेगा ये उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, यानी कि अपने से हाई वैल्यू को ये क्या करता है रिकॉर्ड करता जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है ये आपका ऊष्मीय प्रकार का था, ये आपका ऊष्मीय प्रकार का अधिकतम मांग सूचक था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि हम पढ़ते हैं इसमें कि देखिए इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि अब ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव उसके वर्ग के समानुपाती होने के कारण प्राप्त स्केल सम नहीं होगा, यानी कि प्राप्त स्केल क्या होगा सम, क्यों, क्योंकि जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है धारा है, ठीक है, उसके ऊष्मीय प्रभाव के वर्ग क्या होता है समानुपाती ये होता है। दूसरा क्या है कि चूंकि यह उपयंत्र केवल परिपथ की विद्युत धारा पर ही कार्य करता है, वोल्टता व शक्ति गुणक के प्रभाव से ये मुक्त होता है, केवल ये धारा पे प्रभाव पड़ेगा, वोल्टेज और पावर फैक्टर भी क्या होता है ये हमारा मुक्त होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अतः इसे प्राप्त पाठ्यांक तब तक सही होगा जब तक जब तक दोनों राशियां स्थिर रहें, परिपथ की वोल्टता व शक्ति गुणक में भी परिवर्तन आने पर प्राप्त पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि मर्स प्राइस प्रोडक्शन की। ठीक है, मर्स प्राइस टाइप अधिकतम मांग सूचक, मर्स प्राइस टाइप मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, इसमें क्या होता है इसमें सब आपका कि ये आपका सारा जो है इलेक्ट्रिकल बेस होगा। ठीक है, इसमें आपका इस यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आपका इंडिकेटर होगा, पॉइंटर होगा, यहाँ पे डायल होगा, यहाँ पे स्प्रिंग है। ठीक है, और यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है। ठीक, ऊपर देख लीजिए, ऊपर आपका जो है यहाँ पे एक गियर टाइप जो है आपका मूविंग मैकेनिज्म होती है, जो क्या होती है गियर के माध्यम से घूम, यानी कि गियर का मतलब ये हुआ कि अगर से आप हल्का सा जो है फोर्स देंगे तो वो क्या होगी उसमें जो पहिया क्या होगी बहुत तेज़ी के साथ घूमेंगे, सब बाइक में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है देख लीजिए
कि इसमें जो है आपका इंडिकेटर जो होता है मर्स प्राइस टाइप मैक्सिमम इंडिकेटर में, ये आपका इंडिकेटर होगा, ये आपका घूमेगा, ठीक है। कब घूमेगा? जब हमारी जो है एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। मान लिया जो है हमने जो है लगभग कितना 5 किलोवाट को जो हमने कंज्यूम किया, तो इस 5 किलोवाट को और इसकी टाइमिंग क्या है, ये बस खाली 15 से 30 मिनट के लिए क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कहा जाएगा, ये अपना जीरो पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। इंडिकेटर ये डायल आपका घूमता है, इसी पे क्या है कि आपका इंडिकेटर है वो क्या करेगा कि ये आपका इंडिकेट करेगा, और इंडिकेट करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म ऊपर बनी हुई है, ये क्या करेगा, ये इसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। हमारे कितनी एनर्जी जो क्या हुई हमारी रिकॉर्ड हुई, ये आपका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा, और आधे घंटे के बाद ये क्या होगा, तुरंत जो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। आधे घंटे के बाद ये तुरंत जो क्या हो जाएगा, आपका ये रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है हमारा मैक्सिमम डिमांड कितना हुआ, 5 किलोवाट हुआ किसी निश्चित अवधि के लिए, चाहे वो 10 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, आधे घंटे की हो, ठीक है, 5 किलोवाट की हुई। अब इससे कम वैल्यू होगी तो हमारा पॉइंटर क्या होगा, हमारा मूव नहीं करेगा, हमारा डायल क्या होगा, उसी जगह पर रुका रहेगा, ठीक है। ये एक पिन सिस्टम लगा होता है, ये पिन क्या हो जाती है वहाँ पर, ये पूरी सिस्टम अलग हो जाती है, मूविंग मैकेनिज्म ये क्या करता है, उसको अलग कर देता है। जैसे ही हमारी एनर्जी जो है 5 किलोवाट से अधिक, 5.1 किलोवाट हमारी हुई, तो ये क्या होता है, फिर से जो है आपका डायल घूमने लगेगा और यहाँ पे जो इंडिकेटर वो दिखाने लगेगा कि हमारी एनर्जी जो है वो हमारी अधिक कंज्यूम होना शुरू हो गई है, ठीक है। और कितनी कंज्यूम हुई है, यहाँ से आपका रिकॉर्ड जो रिकॉर्डिंग में से क्या हुई है, हमारा रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा ये, और ये उससे कम वैल्यू के लिए क्या करेगा, ये हमारा ये ऑपरेट नहीं होगा, नहीं चलेगा, मर्स प्राइस टाइप मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर ये दिखाता है कि बस हमारी निश्चित अवधि के लिए हमारी कितनी एनर्जी क्या हो रही है, हमारी कंज्यूम हो रही है, कितनी डिमांड। कभी कभी ये होता है, कभी कभी अक्सर ये होता है कि जैसे कि ये गर्मी के दिनों में क्या होती है, हम एनर्जी की ज़्यादा खपत लेते हैं, ठीक है। तो मतलब गर्मी में क्या हुआ, एक निश्चित अवधि हो गई गर्मी, ठीक है, जैसे कि मई में हो गया, अप्रैल मई जून, ये 3 महीना क्या होती है गर्मी अधिक पड़ती है, तो डिमांड हमारी अधिक पड़ जाती है, हमारी कितनी एनर्जी क्या हो रही है, हमारी कंज्यूम हो रही है, कितने मेगावाट पावर हमारा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो बिजली विभाग वाले, इलेक्ट्रिक डिमांड वाले ये क्या लगाते हैं, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर लगाते हैं कि हमारी कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही किसी निश्चित अवधि के लिए, ठीक हो। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करें, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें और उसको क्या करें, हम सप्लाई करें, ना उससे कम ना उससे अधिक। इसलिए क्या होती है कि हमको मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ती है। ये हम कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी छोटी मोटी इंडस्ट्री हो गया, घर हो गया, ठीक है, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ठीक है, लोकल एरिया हुआ, कहीं भी लगा सकते हैं, इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। देखिए ये था आपका क्या, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, मर्स प्राइस टाइप, और क्या था आपका, उष्मीय प्रकार और आपका हीटिंग टाइप का था, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप एग्ज़ाम में ब्रांच लिख लीजिए, और जो हीटिंग टाइप है वो भी उष्मीय प्रकार का, वो भी आपका आसान है, इसका डायग्राम थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, ठीक है। बस आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है कि चैनल क्या कीजिएगा, आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्या कीजिएगा, आप लोग जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। पर आपसे यही क्या है, एक रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।